वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद आए जनाब, आज के हमारे सोशल इशू बहुत इंपॉर्टेंट भी है जिसको हम काफी अरसे से एड्रेस करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई ये हम इन लोगों से जानेंगे। ट्रांसजेंडर के हवाले से, इस कम्युनिटी के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इनको नहीं फराहम की जाती हैं, जिसके ये ख्वाहिशमंद हैं, जिस तरह से ये बहुत सारे लोग जो हैं काम करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या इनकी डिमांड्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ जनाब मौजूद होंगी नोशी जान है हमारे साथ मौजूद जनाब, उसके साथ साथ साइमा राजपूत होंगी और हमारे पास माइजा जान है और इसके साथ साथ माहम हमें ज्वाइन करेंगे। चारों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप सब, खैरियत से? सबसे पहले तो माहम आपकी जानिब आएंगे, हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स की। ऑब्वियसली आपसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपकी एक्टिविटीज क्या है, आप क्या करती हैं? मैं बेसिकली एक इदारे से जॉब कर रही हूँ, साथ साथ एचआईवी एड्स के अवेयरनेस पे काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं ट्रांसजेंडर एक, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं कम्युनिटी से हूँ। कम्युनिटी के अलावा मैं अपनी कम्युनिटी को बहुत लाइक करती हूँ, इन पे काम कर रही हूँ, इन पे काम कर रही हूँ, इनके अवेयरनेस पे, इनकी अच्छी और बुरे सब काम पे मैं इनपे काम कर रही हूँ। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ दोस्ताना में, दोस्ताना मेल हेल्थ सोसाइटी पे। लवली, तो सबसे पहले मैं यही आपसे डिस्कशन में कंटिन्यू इस बात को यहीं से करेंगे कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको लगता है कि टाइम के साथ साथ आप लोगों की कम्युनिटी के हवाले से लोगों की जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ रही है? एक्सेप्टेंस हमें मिल चुकी है माशरे से, काफ़ी हद तक हमें एक्सेप्टेंस मिल चुकी है और हमें कम्युनिटी से भी मिल चुकी है, मगर हमें ये है कि हमारे जो बिल पास हो गए हैं, बिल तो हमारा पास हो गया ट्रांसजेंडर पे, मगर हमें कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि हमारे बिल पास हो गए, हमें ये राइट्स हैं। हमें कम्युनिटी को नहीं, अभी तक काफी अवेयरनेस नहीं है, मगर लोगों को पता है बिल पास हो गया, मगर काफी हद तक इसके अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, माइजा आपकी जानिब आएंगे, आप इसी के लिए क्या करती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एक साल पहले मुझे दोस्ताना से ऑफर आई थी, दोस्ताना सोसाइटी से, मैं भी माहम की पहले को ली थी। एच आई वी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पे मैं भी इनके साथ वर्किंग कर रही थी, ठीक है, और तकरीबन 6 मंथ का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था दोस्ताना के साथ, और उसके बाद मतलब कि मैंने और भी जगहों पे अप्लाई किया जॉब का। अभी रिसेंटली मैंने एक टीवी के प्रोजेक्ट पे मतलब कि अप्लाई किया, तो इंशाल्लाह वो कुछ हो जाएगा। उसके अलावा मेरा जो है, मैं ड्राइविंग मैंने एक कोर्स किया, ठीक है, उसके बाद मैंने इटालियन फ्लावर मेकिंग का कोर्स किया। लवली, ठीक है, इटालियन फ्लावर मेकिंग में उसमें फोटो फ्रेम्स, मिरर डिजाइनिंग, फ्लावर पॉट, तो आप ये काम बनाती हैं? जी जी, ठीक है, और ये सारी चीज़ें उसमें मैंने सीखी हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कम्युनिटी के लिए अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, और मतलब कि मिल भी रही है। और जो ये माहम ने बात की कि बिल के हवाले से, ठीक है, एक्सेप्टेंस लेवल लोगों का बढ़ रहा है पहले से ज़्यादा, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि ट्रांसजेंडर भी एक मतलब कि जेंडर है जो कि हमारे माशरे का ही एक हिस्सा है। अब टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतर हो रही हैं, और अब तो लोग मतलब कि इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब कि समझते हैं। पहले तो ये होता था कि ओहो ये तो बाजा सिरा है, ये क्या है? मतलब कि हकारत की नज़र से डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा थी हमारे सारे सोसाइटी में, लेकिन अब सिविल सोसाइटी हमारे लिए ऐसा कर रही है, ठीक है, वो हमारे लिए प्रोजेक्ट्स चला रही है, और हमारी जो एनजीओज हैं और जो डिफरेंट हमारी मतलब कि हमारी आगे हमारे लिए काम कर रही हैं चीज़ें, तो वो वर्किंग में है। ठीक, वो भी वर्किंग में। माइजा अभी आपकी जाने, दोबारा भी आएंगे, साइमा आपकी जाने आएंगे, आप क्या करती हैं? मैं पहले एक केएसएस है, ख्वाजासरा कम्युनिटी, उसमें एज ए आउटरीच काम किया है, और अभी सोशल एक्टिविज्म भी है कम्युनिटी की, तो मैंने बहुत काम किया, लेकिन ये है कि खुद को हाईलाइट नहीं किया, तो बाकी अभी तो फिलहाल मैं कोशिश में हूँ कि कोई और अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन मिले वो जो अपनी कम्युनिटी के लिए ही कुछ किया जा सके। अच्छा, आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज, जॉब, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मिल रही हैं? मिल रही हैं, मिल रही हैं। हाँ जी, अब वो शिकायत तो चूंकि पहले ऑब्वियसली एक जेन्युइन शिकायत थी जो आप लोगों की जानिब से रिजर्वेशंस भी आती थी कि हमें उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, प्रोटोकॉल भी इन अ सेंस कि हमें उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी कहीं जॉब करने जाते हैं जॉब नहीं मिलती, ये सारी चीजें जो है, अब आपकी कंप्लेंट्स आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है? जी हो रही है, लेकिन ये भी है ना कि पहले मूर्तों का अवेयरनेस नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता
ये कुछ इदारे ऐसे बने हैं, उन्होंने बताया है और उन्होंने काफ़ी हद तक जो है ना ट्रांसजेंडर को अवेयरनेस दिया, तो हाँ जी काफ़ी हद तक जो है ना काम हुआ है। ठीक है आपकी जानेब आएंगे हम, अब मैं आपका नाम दोबारा नोशी जान हमारे साथ। नोशी आप क्या करती हैं? आई थिंक मैं इस टाइम जो वॉलंटियर काम कर रही हूँ दोस्ताना के साथ और डिफरेंट एनजीओस के साथ भी, सोसाइटी अच्छा। वालों के साथ भी कर। बेसिकल काम जो है ना वो मैंने 98 से शुरू किया था और 98 से लेकर तो आज आपको 2018 है, ठीक है, जिसमें HIV पॉजिटिव लोगों के साथ मैं कैरियर स्पोर्ट पर काम करती रही हूँ, फैमिली हेल्थ इंटरनेशनल के साथ करती रही हूँ, उसके साथ साथ जो है ना मैं अपने शोबीज के साथ हूँ। अच्छा। तो शोबीज में जो है वो मैं हूँ स्टेट डांसर हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये कि आई थिंक कि मैंने काफ़ी प्रोजेक्टों पर और अपनी कम्युनिटी के काफ़ी लोगों के साथ, उसके साथ ये है कि फाउंडर हाउस के साथ भी काम कर रही हूँ, जो हमारे जी जो हमारे ओल्ड ख्वाजा सराय हैं उनकी जी जो ओल्ड हो गए उनकी केयर एंड सपोर्ट पर काम कर रही हूँ, मेडिकल का उनके साथ कर रही हूँ, उनको मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के साथ मिल के और उनको महीना वसीफा जिसे कहते हैं वो देते हैं। लवली लवली, अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास चार लोग बैठे हैं और ये चारों कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं तो दूसरों के लिए डेफिनेटली ये लोग कर रहे हैं और इस बात पे बिल्कुल ही काजस। अच्छा हमारे साथ हमारे यहाँ नॉर्मली यहाँ पे अक्सर प्रैक्टिस में देखने भी आता है ख्वाजा जरा आपको सिग्नल्स पे नजर आते हैं, दूसरी एक्टिविटीज में नजर आते हैं, आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप लोग अवेयरनेस के थ्रू डिस्करेज कर सकते हैं अगर उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज मिले? मैम एक्चुअली बात ये कि बात है ही अपॉर्चुनिटी की है, ठीक है, और कुछ मतलब कि ये जो इलिटरेट थिंग्स आ जाती है ना जो मतलब कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, ठीक है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, ठीक है, उनके पास दो चीज़ें रह जाती हैं, एक डांस फंक्शंस और दूसरा जो है कि सिग्नल्स पे भीख मांगना, ठीक है, अगर मतलब कि ये सारी वो और कुछ सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है जिसकी वजह से वो डिसहार्ट होकर अपनी स्टडी छोड़ देते हैं, दैट्स व्हाई कि वो इस तरह मतलब कि तो आप लोगों की पढ़ाई मतलब आपने एजुकेशन की कितनी ली आपने एजुकेशन? मैं ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम किया हुआ मैंने, ठीक है, और उसके बाद मतलब कि फर्दर स्टडीज का मुझे मौका नहीं मिला, ठीक है, बट आई वॉन्ट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। लवली, अच्छा मैं जानना चाहूँगी फैमिलीज, आप में से कोई अपनी फैमिली के साथ रहता है? जी मैं रहती हूँ। रहती है, अच्छा मैम फैमिलीज का किस तरह का रवैया अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुआ या शुरू से अच्छा रवैया था? नहीं मेरी फैमिली का रवैया मेरे साथ अभी भी ऐसा ही है, जैसा कि अब मैं आज इस मॉर्निंग शो में बैठी हुई हूँ, मेरी फैमिली वालों को पता भी है तो फिर भी मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ कि मुझे देख रहे होंगे आज वो मुझसे क्या सोच रहे होंगे वो, मगर मुझे मेरे भाई हैं कुछ अच्छा नहीं समझते। हम पांच बहन भाई हैं। तो आपका नंबर कौन सा है? मैं फोर्थ नंबर पे। तो भाई कितने? दो भाई हैं मुझसे बड़े हैं। अच्छा दो बड़े भाई हैं और इसके बाद बहन है जी। अच्छा तो वो उनका रवैया भी नहीं इतना अच्छा? उनका रवैया मुझसे अच्छा नहीं है, फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं मिली मुझे अभी तक, फिर भी मैं आईए कर रही हूँ, मेरा शौक है, मुझे मजबूरी है, ठीक है मैं करती हूँ, मगर घर वालों के अभी हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती नहीं मिलती है। अच्छा मेजॉरिटी जगहों पर आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ नहीं रहते नहीं। तो आप लोगों की कोई कांटेक्ट कोई ऐसी चीज जो नहीं आप लोगों की अपनी फैमिली के साथ नहीं, कांटेक्ट तो है, कांटेक्ट है, कांटेक्ट है। तो उनका रवैया कैसा है? बस कुछ नॉर्मल ही है, ठीक है, नॉर्मल है, मतलब कभी आपके कितने बहन भाई हैं? मैं मुझसे एक बड़ा भाई है, उससे बड़ी तीन बहनें हैं। आप सबसे छोटी? आपका जी मेरे माशाल्लाह पांच बहन भाई हैं और तीन सिस्टर दो भाई हैं, लेकिन फैमिली के साथ जो आप बात कह रही मैडम, फैमिली के साथ हम आम जन पब्लिक से ज़्यादा हम काम करते हैं, मैं बहनों के साथ, मामा के साथ, पापा के साथ भी, फिर भी वो हमें इसी नज़र से देखते हैं कि आपको साथ लेकर चलने से हमारी कतराते हैं। तो आप कितने अरसा हो गया अलग से रह रही है या हम शुरू से रह रही है या अपनी फैमिली को जो आप नहीं टच तो हूँ इन टच तो है रहना, मैं पूछ रही हूँ कि अलग कब आप तीसरी से थर्ड क्लास से तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास गई थी या कोई अपना प्रॉपर किसी ने आपको अकेले अपने गुरुओं के साथ ठीक हो गया। अच्छा अभी हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, जॉब्स की बात करें, एक्सेप्टेंस की बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप लोग करना चाहते हैं और अभी भी आप लोग कर रहे हैं, मैं देख रही थी कैफेटेरियाज में किसी निजी कॉलेज के आप लोग वहां पर भी जॉब कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो है, काम की जगह पर माहम किस तरह का रवैया लोगों का देखने को मिलता है?
جیسا کہ میں ایک آرگنائز کام کر رہی ہوں جہاں پہ یہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, یہاں میرے جیسے ہی ہیں. اور پبلک پلیس پہ جائیں؟ پبلک پلیس پہ میں نے جاب کر کے دیکھا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ٹیچنگ کی تھی نا اسکول میں, چھ ماہ کا میرا وہ ایکسپیرینس ہے, میں نے ٹیچنگ کی وہاں پہ. بچے ایٹ کلاس تھی میری, ٹھیک ہے, وہ بچے مجھے ہوٹنگ کرنا, سر یہ سر وہ, آپ ایسے کیوں ہیں, ایسے کیوں چلتے ہیں, فٹنگ کیوں پہنتے ہیں, ایسے آپ کی داڑھی شیپ کیوں نہیں آتی, آپ ایسے کیوں ہیں. تو مجھے نا بچوں نے ہوٹنگ کرنی ہے, واضح کسنا. تو میں نے وہ میرا ایگریمنٹ تھا چھ منتھ کا, میں نے گورنمنٹ جاب تھی میری وہ. اچھا, گورنمنٹ جاب. ہاں جی, تو وہاں پہ میں ٹیچنگ کرتی تھی چھ ماہ کے لیے. مگر مجھے اچھا نہیں لگا کہ بچے میرے سے کلاس کور نہیں ہو پا رہی تھی, میں انچارج تھی کلاس کی. تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ چھ ماہ کے بعد آپ چلے جائیں, آپ سے آپ کی کلاس کور نہیں ہو رہی, بچے آپ سے وہ ریسپیکٹ نہیں کرتے, تو بڑے کیا کریں گے. بچے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سر ایسے کیوں ہیں, وہ کیوں ہیں. ویسے بھی بھلے سے گزرنا, بازار سے گزرنا, لوگوں نے آوازیں کسنا, لوگوں نے کہنا کہ ایسے کیوں ہو, ویسے کیوں ہو, آوازیں کسنا. ابھی تک یہ تمہارے ساتھ ساتھ پبلک پلیس پہ کافی حد تک تو مل چکی ہے, مگر کہیں تک نہیں بھی ملی. جس ایریا سے میں آئی ہوں نا, میرا ریڈ لائٹ ایریا ہے جہاں میں رہتی ہوں, میں ریڈ لائٹ ایریا سے, وہاں پہ بہت زیادہ ایسی چیزیں. میرا میم یہ ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اپرچونیٹی ڈسکریمنیشن, جینڈر ڈسکریمنیشن کی وجہ سے نہیں ملتی, کیونکہ میری جو گرو ہیں وہ بی بی اے آنرس میں انہوں نے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت ویل ایجوکیٹڈ اور بہت ویل ایکسپیرینسڈ ہیں وہ فائنانس کے معاملات میں, ٹھیک ہے. ان کو ایک جگہ پہ انہوں نے نا ایک فیکٹری میں جاب کی, ان کا نام عنایہ شیخ ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک جگہ فیکٹری میں جاب کی, وہاں پہ انہوں نے مطلب کہ بڑی اپنی محنت کر کے فیکٹری میں مطلب کہ جتنا ان کو ٹارگیٹ دیا گیا انہوں نے 15 دن میں اس کو اچیو کیا, ٹھیک ہے. پھر فیکٹری میں وہ جو گودام میں جاتی تھی, وہاں یہاں وہاں جاتی تھی, تو انہوں نے نا فیکٹری والوں نے کہا کہ آپ نا گودام میں مت جایا کرو, لوگ آپ کو دیکھ کے نا بڑا مطلب کہ آکورڈ فیل کرتے ہیں. پھر انہوں نے نا ان کو مطلب کہ باہر والے ایریے تک جو لمیٹیڈ کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا آپ اپنے دفتر میں ہی رہا کریں, باہر بالکل نہ نکلا کریں. 5 مہینے مطلب کہ ان کو جاب کرتے وہ ہو گیا, اور ان کی جو تھی نا وہ جو کیا پرفارمنس وہ بہت اچھی تھی, ان کے ٹارگیٹس پورے ہو رہے تھے, بلکہ وہ ٹارگیٹ سے اپ چلی جاتی تھیں, ٹھیک ہے. یہی کہ ان کو پھر تھوڑے 5ویں مہینے میں انہوں نے کہا کہ آپ کا نام, آپ کے ساتھ ہماری فیکٹری کا نام, ہمارے ادارے کا نام جڑ رہا ہے جو ہمارے لیے بدنامی کا باعث ہو رہا ہے, تو لہٰذا آپ ریزائن کر دیں. مطلب کہ انہوں نے اس کا کام نہیں دیکھا, اس کا جینڈر کی وجہ سے اس کو مطلب کہ ان کو کہا کہ آپ چھوڑ دیں. ہمیں اسی ڈسکریمنیشن کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. ہمیں پہلے تو فیملی سے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر ہماری فیملی ہمارے آگے کھڑی ہو جائے نا سوسائٹی کے سامنے کہ ہاں بھائی جیسا بھی ہے ہمارا بچہ ہے, دین سوسائٹی کین نیور ڈو اینی تھنگ. تو آپ کی فیملی کی جانب سے کس طرح خیر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ. اچھا, ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ, پرفیکٹ. مائزا, سم ٹائمز جس سے ابھی آپ بتا رہے ہو کہ اپرچونیٹیز جینڈر ڈسکریمنیشن کی وجہ سے ہے, ہم کس طرح سے آپ چاہتے ہو کہ لوگوں میں اویئرنیس مزید آئے؟ آپ کی آرگنائزیشن اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے؟ میم, ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ مطلب کہ جینڈر کی جو ایکسیپٹنس لیول پہ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں میں اویئرنیس دے رہی ہے. ہم لوگ تھیٹر پلیز کر رہے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک دھنک کا دوستانہ میل, دوستانہ سوسائٹی میں دھنک کا ایک ایونٹ آرگنائز کیا جاتا ہے, جس میں کہ یہ جینڈر اویئرنیس کے بارے میں اور مختلف تھیٹر پلیز کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے جینڈر کی جو ایک پہچان ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کتنا افیکٹو رہتا ہے یہ؟ افیکٹو لوگ دیکھیں گے تو افیکٹ کریں گے, ان میں سوچ آئے گی, تبدیلی آئے گی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے مطلب کہ یہ جب تک کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی لوگ نہیں کچھ بھی کریں گے. اس کے علاوہ میڈیا ہمارا بہت ساتھ دے رہا ہے, ہمارے ایکسیپٹنس لیول کو انکریز کرنے میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, ٹھیک ہے. میڈیا اگر اسی طرح کے سیشنز اگر میڈیا میں چلتے رہے نا تو لوگ بہت جلد اپنی سوچ کو بدل لیں گے. ڈیفینیٹلی, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو میسج ہے وہ ہمارے پلیٹ فارمس سے ڈیفینیٹلی ہم آن اینڈ آف اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. جناب, نو ڈاؤٹ یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں, ان ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے. اور ایز اے انڈیویژل جس طرح سے ابھی دیکھا کہ پبلک پلیسز پر اس طرح کے رویے, ہمیں بہت سارے بدلنے کی ضرورت ہے. انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے, تو لہٰذا انسان سمجھا جائے اور انسانوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے. نو ڈاؤٹ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں بھی کل یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, تو آپ لوگ ان لوگوں کو اپنی طرح سے سمجھیں گے, اپنے جیسے لوگوں کی طرح سمجھیں گے. آپ لوگوں کو ان کی ایکسیپٹنس کا اندازہ ہوگا کہ کس قدر یہ لوگ بھی اسی طرح کا دل, اسی طرح کا جو ہے ایک رویہ رکھتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل میں تھوڑا سافٹ کارنر آئے گا, اور جب وہ کس طرح کا مس بہیو کرنے کا سوچیں گے تو کہیں
ना कहीं उन्हें रियलाइज होगा कि ये हमारे सोसाइटी का हिस्सा है। जनाब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, और भी टॉपिक है जिन्हें डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।